फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर डीजी न्यूज एंड टेक्नोलॉजी में। और मैं आपका दोस्त फारूक मंसूरी। तो आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो है टॉप कम यूज़ किया जाते हैं और ज़्यादातर लाइनर यूज किए जाते हैं। तो आज मैं आपको लाइनर के बारे में बताऊँगा, कैसे इसको लाइनर को फिट किया जाता है और क्या क्या इसमें आइटम जो लगता है वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। ये तो हो गया आपका काम, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ये बीटा सेवन, आप देख रहे हैं स्पीकर, काफ़ी पुरानी कंपनी है ये बीटा सेवन का, ये स्पीकर है 12 इंची का। तो एक लाइनर के अंदर जो चीज़ हमें चाहिए होती है, सबसे पहले हमें स्पीकर चाहिए होता है, और स्पीकर के अलावा फिर नेट प्लेट भी चाहिए होती है हमें, फ्लेयर भी चाहिए होता है, और एक HF भी चाहिए होती है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इसकी कैबिनेट। जो कैबिनेट अगर बढ़िया होएगी तो इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त होएगी और काफ़ी बढ़िया इसमें जो क्वालिटी है वो निकल के आएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी कैबिनेट के बारे में। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो एक कैबिनेट है डबल बारे की, इसकी एक कैबिनेट है, और अराल्डो ऑडियो के आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये अराल्डो ऑडियो का लोगो भी लगा हुआ है। और फिनिशिंग की बात करें तो इसका पैड की फिनिशिंग देखेंगे कितना शानदार इसकी फिनिशिंग है। और फिटिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं इसकी फिटिंग कितनी ज़बरदस्त दी गई है, काफ़ी बढ़िया इसकी जो क्वालिटी, काफ़ी बढ़िया इसकी जो बनावट है, काफ़ी ठीक ठाक है, और पेंट भी बढ़िया तरीके से फिनिशिंग की गई है। अब इस कैबिनेट के अलावा हमें सबसे पहले और क्या चाहिए होता है, तो हमें दो स्पीकर चाहिए होते हैं जो कि बीटा सेवन कंपनी के हैं, जिसका मॉडल नंबर 12 NDL76 है। ये इसका स्पीकर है, 400 वाट का एक स्पीकर है ये। अब स्पीकर तो हमने लगा दिया उसमें कैबिनेट में, अब इस स्पीकर को जो ये ना उड़े इसके लिए हमें करना क्या होता है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें एक नेटवर्क प्लेट चाहिए होती है, जो कि आप देख सकते हैं ये प्यून कंपनी की नेटवर्क प्लेट है, और मलेशियन ये जो है मलेशियन नेटवर्क प्लेट है कंपनी की। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये काफ़ी, ये जो फिल्टर दिए गए हैं काफ़ी हैवी फिल्टर दिए गए हैं, और ये आप कॉइल देखेंगे काफ़ी ठीक कॉइल दी गई है इसमें मजबूती के लिए, ताकि ये हिले या डुले नहीं। और ये आप थंबल भी देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया इसकी जो बनावट है, मतलब काफ़ी बढ़िया दी गई है, ठीक ठाक दी गई है। और ये क्यों लगाई जाती है, ये इसलिए लगाई जाती है कि हमारा जो स्पीकर है या हमारी जो HF है वो उड़े ना, और जो स्पीकर मोमेंट करता है, जैसे हमने एम्पलीफायर ऑन करा एकदम और हमारा वॉल्यूम खुला हुआ है, यानी कि वॉल्यूम हमने आधा कर रखा है अपने उसको मास्टर का, और हमने एकदम ऑन कर दिया एम्पलीफायर, तो उसकी जो मोमेंट होती है उसको कम करने के लिए ये नेटवर्क प्लेट लगाई जाती है, और इसलिए भी लगाई जाती है ताकि आपका डैम्पिंग ज़्यादा पीछे से आ रहा हो तो ये इसको कवर करके आपका स्पीकर सेफ रखे। तो अब बात करते हैं, ये नेटवर्क प्लेट हो गया, अब बात करते हैं इस नेटवर्क प्लेट के जो टूटर यूज करेंगे हम, यानी कि जो HF यूज करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं ये HF 80 वाट की HF है, इसे 60 वाट से 80 वाट तक इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये HF जो है न्यूडियम की HF है, और काफ़ी बढ़िया इसकी जो फिनिशिंग है दी गई है, काफ़ी बढ़िया, ये भी बीटा सेवन की है, क्योंकि जो इसी को हम 60 वाट बोल देते हैं, इसी को हम 80 वाट बोल देते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या बोलना है इसको, लेकिन ये चीज़ गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए, जो उसकी वाटेज है ओरिजिनल वही बतानी चाहिए। तो ये 60 वाट का ओरिजिनल जो HF है, 60 वाट की HF है। अब ये हमें इसे लगानी है फ्लेयर को, तो आप देखेंगे ये फ्लेयर भी काफ़ी दमदार है, इसका मेटल का ये फ्लेयर दिया गया है, तो ये जो फ्लेयर है ये इसमें टूटर यहाँ लगेगा और ये फिट हो जाएगा। तो ये तो हो गया आइटम। तो अब हम इसको जो है ना, कैबिनेट जो है आपकी, इस कैबिनेट को आपको अंदर से दिखाते हैं ये कैसा बनावट है इसकी। ग्रिल की बात करें काफ़ी मजबूत है, काफ़ी ठीक ठाक दी गई है, और अब आप देखेंगे इसके अंदर एक जो इसकी डिजाइनिंग दी गई है काफ़ी बढ़िया है, ग्लास फूल लगा हुआ है, और इसमें जाली भी दी गई है ताकि इसका ग्लास फूल नीचे ना आए, काफ़ी बढ़िया इसकी जो बनावट है काफ़ी ठीक है। ये जो है HF लगाने के लिए दिया गया है, और ये आपका स्पीकर के लिए लगाने को दिया गया। इसकी प्लाई की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें जो ये प्लाई दी गई है काफ़ी मजबूत दी गई है, काफ़ी हैवी है,
और कमर्शल प्लाई है ये, ISI प्लाई है, वाटर प्रूफ प्लाई है, तो काफ़ी बढ़िया है इसकी जो वो है, काफ़ी बढ़िया है। और ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, और जो सामान लगाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब जो हमें फिट जो करेंगे वो अगली वीडियो में मैं आपको फिट करके भी दिखाऊंगा और टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में, जब तक इंतजार कीजिए। जय हिंद।